Very good morning, student. I am Professor Jasmine Faraz. Again, welcome you on my channel. I hope आपने depreciation के पहले दो lecture जरूर देखे होंगे. आज हम देखेंगे lecture number 3. Lecture number 1 और 2 में मैंने आपको अच्छे से explain किया था difference between statelite method and reducing balance method. Then मैंने ये भी explain किया था कि अगर scrap value दिया होगा, estimated life दिया होगा, तो depreciation की amount कैसे find out करते. आज के problem में हम देखेंगे आपके textbook का illustration number 5, जहाँ पे उन्होंने हमको scrap value या estimated life नहीं दिया है, directly उन्होंने हमको rate दिया है depreciation का 15%. तो यहाँ पे हमें वो formula use नहीं करना है जो हमने पिछले lecture 2 में use किया था. और most probably आपको paper में इसी तरीके के से question आते हैं. They gives you ready-made rate of depreciation. So let's start without wasting much time. अब पहले हमें अच्छे से प्रॉब्लम पढ़ना है, कितने मशीनरी है, कैसे डेप्रिसिएशन करना है, कितने साल करना है, वो जरूरी है. मैसेस रूबीना ट्रेडर्स सिंधुदुर्ग बॉट अ फर्नीचर वर्थ ₹30,000. देखो जहां जहां पे इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है हमें अंडरलाइन करनी है. On 1st April 2016, an additional furniture purchase on 1st October 2016. देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है. उन्होंने क्या किया है? एक मशीनरी परचेज की है 30,000, जिसका डेट है 1st April 2016. देखो यहाँ पे 2016, ओके? और दूसरी मशीनरी एडिशनल सॉरी फर्नीचर परचेज किया है 1st October 2016, जिसकी वैल्यू है 20,000. They charge depreciation 15% FIM method. FIM मतलब fixed installment basis. ठीक है, मतलब यहाँ पे रेट हमारा 15% हमेशा ओरिजिनल अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा. ये ऑलरेडी मैंने सिखाया है आपको फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में. फिर उसके बाद दिया है 1st October 2018. देखो अब ईयर चेंज हो गया है 2018. They sold one cupboard ₹5,000. ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 1st April 10,000. देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा, इसलिए मैंने ये चैप्टर जो है लास्ट में लिया है पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, बहुत सारी डेट पे हमें ध्यान देना है. और अगर आपको डेट में अगर कंफ्यूजन होता है तो आपका वर्किंग नोट पूरी तरह से खराब हो जाएगा. और अगर वर्किंग नोट नहीं करेक्ट तो आपका लेजर एंड जर्नल एंट्री रॉन्ग हो जाएगी. तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना है, डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको अच्छे से समझाने की. ओके, ऑन द सेम डेट, देखो ऑन द सेम डेट कौन सी डेट, यहाँ पे 1st अक्टूबर, जिस दिन एक कबर्ड सोल्ड किया है उस दिन ही सेम डेट पे न्यू कबर्ड उन्होंने परचेज किया है, जिसकी वैल्यू है 15,000. ओके, तो आपको क्या करना है, शो फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 16-17, 17-18 एंड 18-19. यूजुअली वो 3 साल का या मैक्सिमम 4 इयर्स का कैलकुलेशन कहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब हमको वर्किंग नोट कैसे बनानी है, तो देखो सबसे पहले वर्किंग नोट फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमें लिखना है. हालांकि वर्किंग नोट को मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन हमारे मार्क्स वर्किंग नोट पे डिपेंड होते हैं, तो वर्किंग नोट ठीक से बनानी है आपको. ये रहा क्वेश्चन. अब कैसे ब्लॉक बनाने हैं, कितने बनाने हैं, तो जितने मशीनरी या फर्नीचर हो गए उतने ब्लॉक प्लस डेट के लिए और टोटल डेप्रिसिएशन के लिए, ऐसे टोटल हमें क्या बनाने हैं, कॉलम बनाने हैं. तो पहले हम गिनते हैं कि कितने कॉलम्स बनाने होंगे. तो पहले यहाँ पे एक फर्नीचर खरीदा है 30,000 ऑन 1st अप्रैल, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाई किया है कि दे सोल्ड वन कबर्ड 5,000, ओरिजिनल कॉस्ट 10,000. इसका मतलब ये जो 30,000 है, 30,000 में कबर्ड है, वो कबर्ड, एक कबर्ड 10,000 का है और दूसरा कबर्ड 20,000 का है. तो टोटल उन्होंने फर्नीचर खरीदा 30,000 का. ये कैसे समझा 10,000, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि ओरिजिनल प्राइस उसकी 10,000 थी. ओके, सो सी, तो ये एक कबर्ड, ये एक कबर्ड, तो दो हो गए. उसके बाद उन्होंने दिया है एडिशनल फर्नीचर, और एक खरीदा उन्होंने कबर्ड, कबर्ड ही कंसिडर करते हैं, तो ये हो गया थर्ड कबर्ड. बाद में देखो नेक्स्ट, और उन्होंने दिया है दे सोल्ड वन कबर्ड एंड सेम डेट दे परचेस वन मोर कबर्ड, तो ये हो गया फोर कबर्ड. तो टोटल हमें 4 कबर्ड क्या करने हैं, कॉलम ड्रॉ करने हैं, प्लस
डेट का कॉलम और टोटल डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ हमें 6 कॉलम ड्रॉ करने हैं। ओके, समझ में आया? अब लिखना क्या है, तो पहले कॉलम में हम डेट लिखेंगे, दूसरे कॉलम में फर्नीचर 1, 2, 3, 4 लिखेंगे और लास्ट कॉलम में टोटल डेप्रिसिएशन लिखेंगे। गॉट इट? अब जैसे जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया है उस हिसाब से हम ये कॉलम फिल करेंगे। तो ध्यान से देखना है आपको कैसे लिखना है, क्या करना है। सो विल स्टार्ट। अब पहला फर्नीचर हमने लिया है 1 अप्रैल 2016। अब उन्होंने एकेडमिक ईयर क्या दिया है, थोड़ा सा ध्यान दो। एकेडमिक ईयर उन्होंने अगर ध्यान से देखा तो 2016-17, 17-18 and 18-19। ओके, सो देखो यहाँ पे, तो पहले हम ध्यान देंगे 2016-17। तो यहाँ पे हमने लिखा 2016-17। ओके, ये आपको ड्रॉ करना है हमारे मंथ्स। तो अब हमारा जो ईयर स्टार्ट होगा वो 2016 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2017 तक रहेगा। ओके, सो लेट स्टार्ट। अब हमने क्या क्या किया है, तो उस दिन हमने देखो 10,000 का और 20,000 का, ऐसे टोटल फर्नीचर 30,000 का परचेज किया है। उनकी डेट क्या होगी हमारी, 1 अप्रैल 2016। ओके, सो यहाँ पे देखो हमने स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2016। यहाँ पे हमने ये मशीनरी खरीदी है, इसका मतलब हम पूरा साल भर ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम पूरे 12 मंथ्स का यूज करेंगे क्योंकि परचेस हमने अप्रैल को ही किया है। और अकाउंटिंग ईयर हमारा कब स्टार्ट होता है, 31 मार्च 2017। तो देखो 31 मार्च 2017, यहाँ से ईयर चेंज होता है इसलिए मैंने रेड कलर में बताया है। ठीक है, 17 17। ओके, और दिसंबर तक क्या रहेगा, 2016। गॉट इट? आया समझ में? इसलिए मैंने ये 3 कलर रेड कलर में बताया। हाँ, एकेडमिक ईयर, सॉरी, हमारा अकाउंटिंग ईयर सेम रहेगा अप्रैल से मार्च तक, लेकिन ईयर यहाँ पे चेंज होता है। आपको सबको पता है दिसंबर के बाद जनवरी आता है और ईयर चेंज होता है। तो हमने 2 फर्नीचर खरीदे, साथ में हमने वही साल में और एक एक फर्नीचर खरीदा 20,000 का, जो खरीदा है हमने 1 अक्टूबर 2016। डन। तो 2016 का हमारा सब इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये जो इंफॉर्मेशन है 2018, जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा तब हमें यूज होगा, अभी फिलहाल इस पे ध्यान नहीं देना है। तो 2016 में हमने 3 मशीनरी खरीदी, 2 मशीनरी अप्रैल में खरीदी और 1 मशीनरी अक्टूबर में खरीदी। ओके, तो चलो डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। उनपे कितना परसेंट कहा है, 15%। सब कुछ उन लोग हमें देते हैं, सिर्फ हमें ध्यान से फाइंड आउट करना है। ओके, सो 15% से कैलकुलेट कर दो आप, कैसे आएगा आपका। तो पहले यहाँ पे लिखो डेप्रिसिएशन 10,000 पे 15% पूरे 12 मंथ्स के लिए 1,500। अभी कैसे कैलकुलेशन करना है ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 पे बताया है, फिर भी एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखो 10,000, ये हमारा 10,000 है, इनटू कितना परसेंट दिया है, 15% पूरे 12 मंथ्स के लिए यूज किया है। तो 12 अपॉन 12, तो 12 अपॉन 12 का मतलब ये 1 हो जाता है, ये 2 जीरो चले गए हमारे, तो कितने बगे, 100 × 15। सो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 1,500। ओके, अब सेम फर्नीचर इसका भी हमें निकालना है 20,000 का। फिर से देखो हम यहाँ पे एक साइड में कैलकुलेट करेंगे, 20,000 × कितना परसेंट दिया है उन्होंने, 15% परसेंटेज ले 100 × इन्होंने भी अप्रैल में ही खरीदा है, तो पूरे 12 अपॉन 12। तो आंसर आएगा, ये 12 12 गया, देखो ये 2 जीरो गए, तो 200 × 15 इट्स कम्स 3000। तो डेप्रिसिएशन आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है। अब नाउ सेम
अक्टूबर का देखेंगे हम लोग. लेट मी क्लियर दिस वन थिंग. ओके नाउ अक्टूबर का हमने खरीदा 20,000. इसका मतलब अक्टूबर यहाँ पे है. सो अक्टूबर से लेके हमें मार्च तक अकाउंटिंग ईयर है. देखो हमारा अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे हमने लिखा है 31 मार्च 2017. तो हमारा कितने साल कितने मंथ्स हमने ये मशीनरी यूज की. अक्टूबर 1 अक्टूबर को खरीदी है. अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब्रुआरी एंड मार्च. तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे. तो 20,000 पे 15% 6 मंथ्स के लिए हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 1,500. ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करना है मैं एक बार ही आपको बताती हूँ, बाद में आपको ही करना है. देखो 20,000 × 15%. सो यहाँ पे देखो 15% × 12 मंथ से कितना महीना यूज किया हमने, ये 12 मंथ है, उसमें से हमने 6 मंथ यूज किया. सो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा, ये 2 जीरो चले गए. देखो जितना हो सके कैलकुलेशन करो. 6 × 2 = 12, फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे 1, तो 100 हो गया, तो 1,500. ओके आज सो इस तरीके से 1,500. सो सी यो, तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा हो गया 6,000. अब माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस करते हैं. तो इतनी मशीनरी हमारी बच गई. अब न्यू ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018. ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो गया है. अब हमें फिर से देखना है 2017 से लेके 2018 तक और कुछ एक्टिविटी हुई है क्या. मतलब दो ही हो सकती है, एक तो परचेस हो सकता है या सेल हो सकता है. तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो, 2017 टू 2018 ऐसे कुछ दिया है क्या कि कोई न्यू कबर्ड परचेस किया है या कबर्ड सोल्ड किया है. तो ध्यान से देखो, तो नहीं, कहीं पे भी नहीं है. यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने 2018 दिया है नीचे से ये पैराग्राफ पे, अक्टूबर 2018. तो अगर आप नोटिस करोगे तो अक्टूबर 2018 इस हमारे डेट में आता ही नहीं अकाउंटिंग ईयर में. देखो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर हमारा क्या है, 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 18. तो 18 तो आता है लेकिन अक्टूबर 18 नहीं आता, ये नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 18 आएगा. देखो अप्रैल यहाँ पे आपके सामने मैंने कैलेंडर भी बताया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आता है, बट कौन से ईयर का आता है, 17 का आता है, 18 का नहीं. ओके तो इस साल हमने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की है. तो सिंपल, ना परचेस किया है ना सोल्ड किया है, तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना है सिंपली. सो चलो डेप्रिसिएशन निकालते हैं. लेकिन किस पे निकालना है, दिस इज अ FIM मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. तो हमें हमेशा ओरिजिनल अमाउंट पे निकालना है. तो चलो इस कबर्ड की ओरिजिनल अमाउंट कितनी दी है आप बताओ, यहाँ पे 10,000. ठीक है, तो 10,000 पे कितना परसेंट दिया है, 15%. कितने मंथ्स के लिए, अब ये मशीनरी तो यहाँ पे देखो पुरानी हो गई, यहाँ पे सोल्ड वगैरह कुछ की नहीं है, अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया है. तो अप्रैल से मार्च कितने मंथ्स के लिए आता है, 12 मंथ्स. तो 10,000 पे 15% से 12 मंथ्स के लिए कितना डेप्रिसिएशन आएगा हमारा, 1,500. हमने 10,000 ही क्यों लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे कहा गया है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको ही कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ओके तो हमने देखो यहाँ पे कर दिया है 10,000 पे 15% पूरे 12 मंथ्स के लिए, तो 1,500. नाउ सेम अबाउट 20,000, ये भी अब पुरानी हो चुकी है. अप्रैल देखो यहाँ पे अप्रैल 17 से लेके मार्च 18 तक हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन हम कैलकुलेट कौन से अमाउंट पे करेंगे, ऑफ कोर्स ओरिजिनल अमाउंट पे, बिकॉज दिस इज अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. ओके तो 20,000 पे 15% 12 मंथ्स के लिए इट विल कम 3,000.
गॉट इट? नाउ दिस फर्नीचर, अब ये फर्नीचर भी पुराना हुआ है, लास्ट ईयर ये 2016 में लिया था, लेकिन ये साल जब स्टार्ट हुआ अप्रैल में तो वो तो था अवेलेबल। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पूरे 12 मंथ्स का करेंगे। कौन से अमाउंट पे करेंगे? ऑफकोर्स ओरिजिनल अमाउंट पे। देखो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, FIM मेथड दिया है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे हमेशा ओरिजिनल अमाउंट पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो 20,000 पे 15% 12 मंथ्स के लिए इट कम्स 3,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा हो गया 7,500। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है? तो चलो अब माइनस करो डेप्रिसिएशन, हमने माइनस कर दिया और अब हमारा देखो ये कबर्ड की वैल्यू हो गई है। माइनस किस में से करना है? ऑफकोर्स ये वैल्यू में से ये, ठीक है? सो 1,500 हमें माइनस करना है किसमें से? 8,500 में से। गॉट इट? सो मैं क्लियर कर देती हूँ सब, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, तब तक आप रीड करो क्या दिया है उन्होंने। फर्स्ट अक्टूबर 2018 दे सोल्ड वन कबर्ड। अब न्यू ईयर हमारा स्टार्ट हो गया, कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया? अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, ये हमारा लास्ट ईयर है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमें यहाँ तक ही कैलकुलेट करने बोला है। तो ये लास्ट ईयर है, फिर से हमें एक्टिविटी देखनी है कि इस साल क्या हो गया है। अप्रैल 18 से 31 मार्च थोड़ा ढूंढो। देखो ये पैराग्राफ, अगर ये पैराग्राफ में आ जाओगे तो हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि अक्टूबर 2018 दे सोल्ड वन कबर्ड फॉर रुपीज 5,000। 5,000 में सोल्ड किया है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 10,000। तो ये तो हमने पहले ही बाइफरकेट कर लिया है स्टार्टिंग में ही 10,000, क्योंकि हमें ये सोल्ड करनी थी। अगर हमने ये दोनों का मिला के हमने अगर पहले नहीं किया होता, पहले 30,000 नहीं किया होता, तो हमको मुश्किल आता कि ये कबर्ड अलग से सोल्ड करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग होगा। इसलिए पहले ही जब भी उन्होंने बाइफरकेट दिया है तो स्टार्टिंग से ही बाइफरकेशन करो, ठीक है? 10 + 20 = 30,000। तो यहाँ पे देखो उन्होंने 30,000 दिया है, लेकिन हमने पहले ही इसको बाइफरकेट किया था, क्योंकि एक कबर्ड हम ये सोल्ड करने वाले थे। ओके, सो 10,000 एंड 20,000, अब ये हमें कबर्ड सोल्ड करना है, बट कब करना है? अक्टूबर में। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, तो एक कबर तो सोल्ड किया है, तो एक एक्टिविटी हमें मिली अक्टूबर 18। देखो अक्टूबर 18 आता है क्या इस साल में? अप्रैल 18, यहाँ से अप्रैल 18 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो अक्टूबर 18 आ रहा है, तो ये कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो इस साल हमने क्या किया? सोल्ड किया, लेकिन साथ साथ में हमने परचेज भी किया है। सेम डेट पे हमने न्यू कबर्ड परचेज भी किया है, तो ये साल में हमने दो एक्टिविटी की है, एक कबर्ड सोल्ड किया है और सेम डेट पे एक कबर्ड परचेज किया है। अब कैलकुलेशन कैसे करना है ध्यान से देखना है। तो पहले हम लोग डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पे करते हैं, एक पहले न्यू कबर्ड खरीदा है तो उसकी एंट्री पहले करो। सेम ईयर हमने देखो बराबर, हमने यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम ड्रॉ किए थे, तो एक कबर्ड हमने फोर्थ वाला कबर्ड फिर से परचेज किया है। ओके, अब हम करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। उसके पहले मुझे ये सब क्लियर करने दो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है बट डोंट वरी, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ओके, तो देखो डेट भी लिखी हमने 1 अक्टूबर 2018। अब देखो यहाँ पे ब्लैंक जगह रखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो पहले कबर्ड ये वाला करते, सोल्ड वाला। So, अब यहाँ पे देखो ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 10,000। FIM मेथड है तो ओरिजिनली मेथड लेना है, लेकिन ये हमने 6 मंथ ही यूज की है 15% से। सो 15/100 इनटू 6 मंथ्स, तो हमारा कैलकुलेशन क्या आएगा 6 मंथ्स का? देखो 1,500, सॉरी 750 आएगा, ठीक है? 750 कैसे आया? देखो अगर 6 × 2 = 12, ये दो जीरो चले गए, फिर ये 2 × 5 = 10, तो ऑटोमेटिकली 15 × 5, और एक जीरो यहाँ का बच गया है, तो 750। सो 750 आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा, ठीक है? सो अब दूसरे मशीनरी का, सॉरी फर्नीचर का। अब दूसरा फर्नीचर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है? तो ना सोल्ड किया है ना कुछ परचेज किया है, तो इसका सिंपल 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इनटू 15% इनटू
12 मंथ्स में से पूरे 12 मंथ्स यूज किए तो इट कम्स 1, फिर से ये कैलकुलेशन, सो इट कम्स 3000। अब हम देखते हैं ये फर्नीचर का। अब ये फर्नीचर के बारे में कुछ कहा है क्या उन्होंने? तो ये फर्नीचर भी कुछ सोल्ड नहीं किया है, मतलब ये साल पूरा अवेलेबल था ये फर्नीचर। तो अगेन सेम 20,000 पे 15% 12 मंथ्स के लिए इट कम्स 3000। ओके, अब हमें ध्यान देना है ये मशीनरी पे। अब आप बताओ, ये मशीनरी हमने न्यू परचेस की है तो कब से की है? अक्टूबर से। तो देखो, परचेस हमने अक्टूबर से की है 18, तो इसका मतलब यहाँ पे ये मशीनरी अवेलेबल थी, यहाँ पर सी, तो टोटल ये मशीनरी 6 मंथ्स अवेलेबल थी। ठीक है, सो फिर से ओरिजिनल क्या ओरिजिनल वैल्यू है? 15,000। तो 15,000 इंटू 15%, सी डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो सेम रहेगा। अब 12 मंथ्स में से हमने कब कितने महीने यूज की है? 6 मंथ्स, तो 6/12, सो इसका आंसर आपका आएगा अगेन 1125। ओके, अगर आप करोगे ठीक से तो आपको समझ में आ जाएगा। 15% देखो यहाँ पे दिया है, और ये परचेस कब किया है? जिस दिन सोल्ड किया है कबर, उस दिन ही सेम डे, ऑन सेम डेट परचेस किया है। तो अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो देखो, जब सोल्ड करते हैं तो हमको क्या करना है, जहां सोल्ड किया है, जिस मंथ्स में सोल्ड किया है, यहां से लेके ऊपर तक के मंथ्स कैलकुलेट करने। ओके, और जब परचेस करते तो जो मंथ से हमने परचेस किया उससे नीचे के मंथ कैलकुलेट करने। ये थोड़ा सा आप ट्रिक याद रखो तो आपको बहुत आसान जाएगा। फिर एक बार बोलती हूँ, जब अपन सोल्ड करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हमने सोल्ड किया है, यहाँ पे सोल्ड किया है, तो यहाँ से लेके ऊपर के मंथ तक कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सेप्टेम्बर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल। और जब हम परचेस करते हैं तो जो मंथ में परचेस किए वहां से लेके ये नीचे तक आप कैलकुलेट करो। गॉट इट? सो इस तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया। सो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा हो गया 7125। अब 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देना, हमें ये तीनों का ही डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे लिखा है। ये डेप्रिसिएशन क्यों इसमें इंक्लूड नहीं किया है? क्योंकि जब हम लेजर ओपन करेंगे तो सोल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन हमें अलग से बताना होता है, और ये अनसोल्ड फर्नीचर है, अभी तक ये अनसोल्ड फर्नीचर है, इसको हमने सोल्ड नहीं किया, तो इनका डेप्रिसिएशन हमें अलग बताना होता है। तो एक्चुअली टोटल डेप्रिसिएशन 7125 प्लस 750। तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है, लेकिन जानबूझ के यहाँ पे मैंने सिर्फ अनसोल्ड मशीनरी का बताया है। ये 750 जो है इसे हमें अलग तरीके से अलग कॉलम में लिखना है, कैसे वो अलग मैं बताती हूँ जब लेजर हम करेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया है इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम। अब देखो, माइनस कर दो, अब फाइनल फिगर माइनस कर दो। देखो माइनस किस में से करना है, डेप्रिसिएशन, ये जो है 7000 उसमें से ये माइनस कर दो, 14,000 में से 3,000 माइनस करो, 15,500 में से 3,000 माइनस करो, 15,000 में से 1125 करो। तो अब हमारे इतने सारे कबर्स है और उसकी वैल्यू है। बट वेट, इसमें से एक कबर्ड हमें सोल्ड करना है। अब हम सोल्ड करेंगे, हम डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें सोल्ड करना है। कितने को सोल्ड किया है? देखो यहाँ पे दिया है 5,000, तो 5,000 में सोल्ड करो, यहाँ पे लिखो सोल्ड 5,000। तो आप ही बताओ हमें प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है। देखो अगर हम मार्केट में जाएंगे तो अभी इस कबर्ड की वैल्यू कितनी है, 6250। सब डेप्रिसिएशन हमने 3 साल कैलकुलेट किया, देखो 1, 2 एंड 3 इयर्स। 3 इयर्स हमने ये कबर्ड जो जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 10,000 थी, 3 इयर्स हमने यूज किया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, और जब अब हम मार्केट में सेल करने जा रहे हैं तो अब इसकी वैल्यू हो गई 6250। लेकिन हमें क्या किया, हमने सोल्ड किया, अनफॉर्चुनेटली हमें कम वैल्यू मिली 5,000, तो हमें लॉस हो गया 1250 का। गॉट इट? इसे हम कहेंगे लॉस। So, इस तरीके से हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। बस अब ये वर्किंग नोट हमें ट्रांसफर करना है लेजर में, जो ऑलरेडी मैंने सिखाया लेजर आपको। सो लेट्स स्टार्ट। देखो इस तरीके से इन द बुक्स ऑफ जो भी आपका फर्म का नाम होगा, यहाँ पे रुबीना ट्रेडर्स है तो यहाँ पे लिखो। हमें अकाउंट ओपन करना है, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट है तो फर्नीचर अकाउंट हम यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखो फर्नीचर अकाउंट। अगर मशीनरी होता तो मशीनरी अकाउंट लिखते, अब बहुत आसानी है। फर्नीचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, डेबिट कम्स इन एंड क्रेडिट
गोज आउट, ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है कैसे करना है इसका, ओके फिर एक बार देखो। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। ये वर्किंग नोट आपके सामने है। फर्स्ट ईयर पे सिर्फ ध्यान देना है हमें, ये नीचे का कुछ ध्यान नहीं देना है। अभी फिलहाल सिर्फ हम फर्स्ट ईयर पे ध्यान देंगे। तो फर्स्ट ईयर पे हमने कितनी मशीनरी खरीदी? टोटल 3, ठीक है। ये पहले 2 की 30,000 की, जिसको हमने बाइफर्केट किया था क्योंकि ये मशीनरी हमें आगे जाके सोल्ड करनी थी। तो ये सॉरी फर्नीचर, हाँ फर्नीचर, एंड फिर ये एक और एक एक फर्नीचर खरीदा। तो देखो एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, पहले तो डेट लिखनी है हमें ठीक से। सो एक मशीनरी फर्नीचर हमने खरीदा अप्रैल को और दूसरा खरीदा अक्टूबर को। सो देखो ये दोनों मिला के हमने खरीदा 30,000, तो यहाँ पे 30,000, और ये लिया 20,000, तो यहाँ पे 20,000, ओके। फिर उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, 6,000 कहाँ से आया, टोटल डेप्रिसिएशन 6,000। फिर हमने क्लोज कर दिया इसकी हेवी साइड 50, यहाँ पे 50 लिखो, माइनस 6,000, तो यहाँ पे बैलेंस जो भी आएगा उसे हम कहेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ओके। डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर होता है तो 31 मार्च, बैलेंस भी एंड ऑफ द ईयर होता है 31 मार्च, तो अब हमारा बैलेंस फर्नीचर का है 44,000, गॉट इट। तो अगर हमें बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है, देखो फाइनल अकाउंट याद करो, तो फाइनल अकाउंट में हम कैसे लिखेंगे, असेट साइड में फर्नीचर कितना था, टोटल फर्नीचर 50,000 माइनस डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना था 6,000, तो आउटर कॉलम में आपका आएगा 44,000। समझ में आया? बैलेंस शीट जिन्होंने जिन्होंने फाइनल अकाउंट किया रहेगा उनको ये समझ में आया होगा, जिन्होंने फाइनल अकाउंट नहीं किया है 11th का, क्योंकि वो लास्ट चैप्टर है, तो जिन्होंने नहीं किया है उनको बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आप इग्नोर करो इसके लिए, जिन्होंने किया है उनको समझ में आ चुका है, ओके। तो चलो अब ये आपको पता है बैलेंस कैरी डाउन हमें ब्रॉट डाउन करना होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो सी पहले मशीनरी ब्रॉट डाउन करो 44,000। अब ये साल ना हमने परचेस किया है ना सेल किया है, सिर्फ डेप्रिसिएशन किया है, तो यहाँ पे लिखो बाय डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन है देखो यहाँ पे 7,500। सो ये 7,500 करो टोटल डेप्रिसिएशन, देन क्लोज विच वन हैवी कम्स, सी 44,000 माइनस 7,500, तो इस साल मशीनरी का बैलेंस कितना होगा 36,500। नाउ अगेन ट्रांसफर हियर, सी 2018 ईयर स्टार्ट हो गया, बैलेंस ट्रांसफर करो, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है, देखो ये तो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमें एक मशीनरी सोल्ड करनी है, एक मशीनरी परचेज करनी है, और साथ साथ में डेप्रिसिएशन भी करना है। तो देखो कैसे करना है हमें, पहले एंट्री हम परचेज की करते हैं, टू बैंक हमने परचेज किया है, मशीनरी कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, सो डेबिट, तो डेबिट कम्स इन, ठीक है। ये अकाउंट कौन सा ओपन कर रहे हैं हम, फर्नीचर का। सी गलती से बार बार मैं मशीनरी बोल रही हूँ, लेकिन मशीनरी हो, फर्नीचर हो, कबर्ड हो, मोटर व्हीकल हो, है तो मेथड सेम, ओके। सो यहाँ पे मैंने परचेज किया इसलिए डेबिट में लिखा, बिकॉज मशीनरी कम्स इन, राइट। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, सोल्ड के बारे में लिखना है, लेकिन सोल्ड के पहले हमें इसका डेप्रिसिएशन अलग से मेंशन करना है, क्योंकि सोल्ड वाली मशीनरी अलग से मेंशन की है, तो बाय डेप्रिसिएशन 750, ओके। फिर हमने सोल्ड किया है, दैट मींस फर्नीचर गोज आउट, सो गोज आउट है इसलिए क्रेडिट में लिखोगे, हमें पैसे मिले हैं, सो बाय बैंक कितने मिले हैं, 5,000 मिले हैं, सो विल राइट 5,000, गॉट इट। इसमें हमें लॉस हुआ है, तो लॉस हम कहाँ पे लिखेंगे, ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय लॉस ऑन फर्नीचर, ओके। सो देखो कितना लॉस हुआ है, 1,250, अगर ये दोनों की टोटल करोगे तो बराबर 6,250, देखो टैली हो गया 6,250, इसलिए लॉस हमेशा यहाँ पे लिखना है, और अगर प्रॉफिट होता तो डेबिट में लिखना होता है। जिन्होंने फाइनल अकाउंट देखा होगा, देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जिन्होंने फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस की होगी तो उसमें अगर आपको याद रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेप्रिसिएशन डेबिट में लिखते थे,
तो एवरी डेबिट हैज करस्पोंडेंस क्रेडिट, तो यहाँ पे अगर हम डेप्रिसिएशन डेबिट में लिखते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट में, देन लॉस वगैरह रहेगा तो भी हम डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे लॉस अगर डेबिट लिखते हैं एक अकाउंट में तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में लिखते, बिकॉज एवरी डेबिट हैज करस्पोंडेंस क्रेडिट। लेकिन ये जिस उसको ही समझेगा जिन्होंने फाइनल अकाउंट किया है। मेरा सजेशन यही होगा कि आप फाइनल अकाउंट पहले करो फिर डेप्रिसिएशन का चैप्टर करो, इसलिए मैंने अपलोड भी ऐसे ही किया है। ओके सो इस तरीके से लॉस हमने लिखा, तो ये मशीनरी का मैटर क्लोज हो गया। अब क्या बचा है, हमने परचेज की भी एंट्री कर चुके हैं, अब ये वाला डेप्रिसिएशन अनसोल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, सो फाइनली वो भी लिखो अनसोल्ड का डेप्रिसिएशन। ओके सो सी यू, अब क्लोज करो। अब किसकी साइड हेवी आती है फिर से टोटल करो। अब ये टोटल में से ये सब चारों आइटम माइनस करो, सो हमारा बैलेंस कितना बचता है देखो, बाय बैलेंस कैरी डाउन 37375। ओके सो इस तरीके से हमारा फर्नीचर अकाउंट क्लियर हो गया। तो देखो अब हमारे पास एंड ऑफ द ईयर फर्नीचर कितना बचा, 37375। देखो अगर आप ये और इसकी तीनों की अगर टोटल, ये तो सोल्ड हो गया कबर्ड तो इसका नहीं, लेकिन ये तीनों का टोटल अगर आप करोगे तो आपको एग्जैक्टली यही फिगर मिलेगी। तो आप टैली भी कर सकते हो हमारा करेक्ट है या नहीं। 3 साल का कहा था इसलिए हमने 3 साल का डेप्रिसिएशन किया है और अकाउंट भी 3 ईयर्स का ही ओपन किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।